हेलो, वेलकम टू एग्री टाइम, लर्न एग्रीकल्चर विद मी। फ्रेंड्स, आपने टाइटल में और थंबलाइन में बिल्कुल सही पढ़ा है। आज हम बात करने वाले हैं सीजीपीएटी काउंसलिंग कब से शुरू होगा, जो नया नोटिस जो जारी हुआ है वो सच है या फिर झूठ है, कब होगी आखिर जो काउंसलिंग है वो, और 12th के परसेंट पर जो प्रवेश है वो क्या 100% होगा। ठीक है, तो इन सभी पर हम चर्चा करेंगे और हमेशा की तरह प्रूफ के साथ और बारीकी तरीके से जो भी नोटिफिकेशन आई है उस पर क्या करेंगे जी, हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं IGKV के ऑफिशियल वेबसाइट में। तो यहां पर मैं IGKV के फाइनल वेबसाइट में जो है जाने की कोशिश करता हूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं IGKV मिस लिख दूंगा यहां पे, IGKVmiss.cg.nice.in, इस पर मैं क्लिक करता हूं। जैसे ही सर्च करूंगा IGKV की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी और यहाँ पर कोई नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आ रहा है। ठीक है, आपके काउंसलिंग रिगार्डिंग आपका जो नोटिफिकेशन ना वो यहाँ पर शो नहीं होगा आपको। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये वाला जो नेविगेशन बार है 3 लाइन दिख रहा होगा आपको ग्रीन कलर का, इस पर क्लिक करता हूँ मैं, तो यहाँ पर देखिए नीचे में एडमिशन 2020 और 2021 इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन अपने मोबाइल में जब खोलोगे आप तो ये दिखाई देगा। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कुछ शो ही नहीं हो रहा है, रिडायरेक्ट हो जा रहा है उसी वेबसाइट पे। ठीक है, तो ये रही IGKV की वेबसाइट जहाँ पे कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। ओके, अब बात करते हैं जो नोटिफिकेशन आया है क्या वो सही है और कितना गलत है। ठीक है, तो चलिए और जो नोटिफिकेशन आया उस पर चलते हैं। तो दोस्तों, ये रहा जो नोटिफिकेशन शेयर हो रहा है इधर उधर। ठीक है, क्या ये सही नोटिफिकेशन है? तो यहाँ पर देखिए लिखा क्या है कि IGKV कृषक नगर रायपुर छत्तीसगढ़ BSc AG हॉटी ऑनर्स पाठ्यक्रम में 12वीं के आधार पर प्रवेश हेतु ऑनलाइन काउंसलिंग की दिशा निर्देश। ठीक है, ये जो नोटिफिकेशन, ये जहाँ पे बोला जा रहा है कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की तरफ से ये नोटिफिकेशन जो है वो जारी हुआ है और यहाँ पे वही है जो हमने आपको पहले से बता रखा है। ठीक है, जो जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वही यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको बताए गए हैं, किस प्रकार आपका काउंसलिंग प्रोसेस है वो भी यहाँ पे ठीक हमने जैसा आपको पिछले वीडियो के पार्ट में बताया था ना कि 12th के बेस पर अगर परसेंट पर अगर सिलेक्शन होता है तो किस तरीके से होगा, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, बहुत लोगों ने उसको झूठ भी माना था। ठीक है, लेकिन आप सभी को पता है कि प्रूफ तो प्रूफ होता है ना, जब तक कोई प्रूफ नहीं देगा तब तक आप सही मानोगे नहीं उसको, तो इसलिए यहाँ पे मैं प्रूफ भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाएंगे हम, तो यहाँ पे उन्होंने बताया रखा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो 16 नंबर का पॉइंट है इस पर क्या लिखा है। सो पंजीकरण के पश्चात समस्त पंजीकृत अभ्यर्थियों द्वारा दस्तावेज सत्यापन है, तो यानी कि जो DVC जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो उनके जिले में सूचित या फिर स्थित शासकीय कृषि एग्रीकल्चर हो या फिर हॉर्टिकल्चर का जो महाविद्यालय हो, ठीक है, या फिर कृषि अभियांत्रिकी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का अगर कॉलेज है तो, ठीक है, और या तो KVK हो कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर अपना जो DVC है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला जो प्रोसेस है वो वहां पर करा पाएंगे। तो ये तो हमने आपको पहले से ही बता दिया था हमारे पिछले वीडियो में। ठीक है, तो अब आपको प्रूफ मिल गया, ठीक है, कि किस तरीके से आपका काउंसलिंग होगा, आपके जो जितने भी आपके जिले हैं उसमें कोई ना कोई तो होगा, कॉलेज होगा या फिर आपका कृषि विज्ञान केंद्र होगा, तो वहां जाके नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र में जाके आप अपना जो DVC है वेरिफिकेशन वाला जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करा पाओगे। ठीक है, बाकी वही चीज दिया है यहाँ पे, जैसे कि डॉक्यूमेंट वगैरह हो गया, ठीक है, ये सभी चीज यहाँ पे बताया गया है और बताया गया है कि कितने कितने केवी के हो सकते हैं। तो बताना चाहूंगा, जैसे 1 MB सुना होगा आपने, 2 MB सुना होगा, उसी तरह से आपका जो एक जो डॉक्यूमेंट रहेगा, जैसे कि मान लेते हैं कृषक सर्टिफिकेट, अगर उसको ही अगर आप स्कैन करके अगर अपलोड करना चाहो तो उसका जो फाइल साइज होना चाहिए वो होना चाहिए 500 KB, और याद रखना इससे ज्यादा होगा तो अप्रूव नहीं होगा। यहाँ पे उन्होंने लिख दिया है डायरेक्ट कि 50 KB से, ये तो फोटो है, ठीक है, फोटो जो है वो 50 KB से अधिक नहीं होना चाहिए, ये भी यहाँ पे लिख दिया है, तो फोटो को भी रिसाइज कर लीजिएगा आप। हमने एक वीडियो बनाया था CGPAT एग्जाम 2020 का फॉर्म कैसे फिलअप करें, तो उसमें हमने बताया था कि आप
किस तरीके से अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको कम कर सकते हो, अपना जो साइज वगैरह है फोटो का, वो सभी चीज ठीक है। तो देख लेना उसको। और यहाँ पे जो अभ्यर्थी का हस्ताक्षर होगा वो भी 20 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 9 नंबर में देखिए, दस्तावेजों को केवल निर्धारित साइज एवं टाइप में ही अपलोड किया जा सकता है, यानी कि JPG में ही अपलोड करना है आपको, और निर्धारित साइज यानी कि 500 KB ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए न कम होना चाहिए। यहाँ पर यही बोला जा रहा है, थोड़ा बहुत चलेगा लेकिन उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस पर ध्यान दें और अमल करें, मतलब कि एकदम गाढ़ बांध लो कि उससे ज्यादा नहीं रखना है आपको, ठीक है। और बाकी यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आई है इसका तो मैं PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही दूंगा, ठीक है। यहाँ पे जो फाइल टाइप रहेगा वो जैसा कि यहाँ पे लिखा है PDF या फिर JPG के फॉर्म में, मैं रिकमेंड करूंगा कि JPG के फॉर्म में रखना, ठीक है, जो आपका जो डॉक्यूमेंट रहेगा उसको। और बस यहाँ पे और कुछ नहीं बताया, बात यहाँ पे ये आती है क्या ये जो नोटिफिकेशन आई है ये सही है या फिर गलत है, ठीक है, क्योंकि ये तो GKV की वेबसाइट में दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये सही ही है, ठीक है। देखो क्या होता है कि जो जो यूनिवर्सिटी वाले हैं वहाँ पे तैयार किया जाता है ये सभी जो नोटिफिकेशन है, तो क्या तुरंत अपलोड नहीं हो पाता, पहले कॉलेजों में जाता है, कॉलेजों के बाद इधर फैलता जाता है धीरे धीरे। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, इंस्टाग्राम फेसबुक में पहले आया था नोटिफिकेशन, IGKV के साइट में नहीं आया था, जो प्रवेश नियम था वो वाला, और जो 12% पर होगा, तो ये सभी इधर उधर से ही पता चला था ना, और अभी तक वहाँ पे अपलोड नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये भी सही न्यूज़ है। और अभी आप जाओगे IGKV.mis.cg.nisin पर, तो वहाँ पे आपको एडमिशन 2020-21 दिखाई देगा, तो उस पर अभी क्लिक करोगे तो कुछ ओपन नहीं होगा, लेकिन आफ्टर 3 से 4 दिन बाद आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसका भी प्रूफ दूंगा मैं कि ये क्यों बोल रहा हूँ, इसका भी प्रूफ आपको मैं बताऊंगा आगे चलकर, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए क्या क्या का होगा, सो BSc AG Hotel और BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और जो फूड टेक है, फूड टेक्नोलॉजी जो है ना, उन सभी के लिए यहाँ पे एडमिशन IGKV है जो लेने वाला है 12% बेस पर। बस यहाँ पे और कुछ नहीं बताया, यहाँ पे प्रोसेस वगैरह बता दिया है काउंसलिंग का, किस प्रकार आप काउंसलिंग करा सकते हो। तो जैसे एडमिशन 2021 में जाओगे तो वहाँ पे आपको आपका कक्षा 10 की जन्मतिथि एवं मोबाइल नंबर आपको वहाँ पे फिल करना रहेगा, 10वीं के जो आपका अंक सूची रहेगा उसमें जो डेट ऑफ बर्थ रहेगा उसी को डालना है आपको, और एक मोबाइल नंबर, जो आप जियो को मोबाइल नंबर मत डालना, ठीक है, मैं पहले से रिकमेंड कर दे रहा हूँ, बाकी वो आपकी इच्छा रहेगी, क्यों नहीं डालना है ये भी मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन भाई आप आइडिया, एयरटेल और भी जो कंपनी है ना उसका मोबाइल नंबर डालिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि छात्र वही मोबाइल नंबर पंजीकृत करें जिसे वह उपयोग करता है, ठीक है, तो जिसको उपयोग करते हो उसको डालना भाई, चाहे वो जियो का हो या फिर आइडिया एयरटेल का, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि जियो का मत डालना, ठीक है, बाकी वो आपकी इच्छा है। और आगे यही बताया गया है कि आपके मोबाइल नंबर में OTP आएगा, उसको डालना है, फिर आपका जो अकाउंट है वहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, उसके पश्चात आप लॉगिन लिंक को क्लिक कीजिएगा, फिर आप लॉगिन हो जाओगे, फिर आपको लॉगिन आईडी और जो पासवर्ड है उसका प्रयोग करना है, यानी कि वहाँ पर आपको पासवर्ड वगैरह क्रिएट करके रखना है। बस यहाँ पे और कुछ नहीं बोला जा रहा है। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो IGKV का जो काउंसलिंग प्रोसेस है 12th बेसिस पर वो कब शुरू होगा, तो आफ्टर 3 से 4 डेज, मैंने बोला कि 3 से 4 दिन के बाद शुरू हो सकता है, ठीक है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन ये मुझे कहाँ से पता चली है, तो इसके लिए चलिए मैं आपको एक और इमेज जो है उसको शो कराता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये IGKV रायपुर का ऑफिशियल इंस्टाग्राम जो अकाउंट है वो है, ठीक है। यहाँ पर मैंने उनको क्या बोला है, देखो पहले तो मैंने हेलो सर बोला, तो उन्होंने बोला हाँ से डियर, मतलब कि कहिए, तो मैंने बोला कि सर परसेंटेज के बेस से ही जो सिलेक्शन है वो होगा क्या, तो उन्होंने कहा हाँ 12th के परसेंट पर बेस पर ही आपका सिलेक्शन होगा। आगे उन्होंने बोला है, मतलब कि हमने पूछा कि यार जो काउंसलिंग है वो कब से शुरू होगा, तो उन्होंने बोला कि आफ्टर 3 से 4 डेज, ठीक है। तो अब यहाँ पर विश्वास इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि इनके द्वारा ही जो IGKV का 12% वाला था, ठीक है, वो सभी जो नोटिफिकेशन इनके द्वारा ही जारी किया गया है। तो जब ये बोल रहे हैं कि 3 से 4 दिन बाद शुरू हो जाएगा आपका काउंसलिंग, तो सही ही होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं बोला यहाँ पर कि आपका जो काउंसलिंग है वो 3 से 4 दिन बाद हो सकता है, ठीक है।
तो मैंने तो यहाँ पर आपको सभी चीज बकायदा प्रूफ के साथ बता दिया है, जैसा कि आपने देख लिया है। ठीक है, तो भैया वीडियो को क्या करना है, आपको शेयर करना है। ठीक है, और जो डिसलाइक करेगा मैं अगला वीडियो नहीं बनाऊंगा। ठीक है, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर कर अपने फ्रेंड्स के पास, कमेंट करके बताना ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आपको, एंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।